जब किसी जिंदा सेल का बंटवारा होता है तो दोनों हिस्सों को डीएनए की एक कॉपी मिलती है। एक खास किस्म का प्रोटीन प्रूफ रीडिंग करता है ताकि सिर्फ सही लेटर्स का ही चुनाव हो, जिससे डीएनए की कॉपी में कोई गड़बड़ ना हो। मगर परफेक्ट तो कोई नहीं होता, कभी कभार प्रूफ रीडिंग की गलती नजरअंदाज हो जाती है और जेनेटिक इंस्ट्रक्शन में कोई छोटा सा बदलाव हो जाता है। भालू के अंडे की कोशिकाओं में एक ऐसा ही बदलाव हुआ है। इस मामूली सी घटना का अंजाम बहुत बड़े पैमाने पर उभर कर आता है। उस बदलाव की वजह से उन जीन्स में फर्क आ गया जो फर का रंग तय करते हैं। इससे भालू के बच्चों की फर में गहरे रंग के प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। ऐसे ज्यादातर बदलावों से नुकसान नहीं होता, पर कुछ जानलेवा भी होते हैं। मगर कुछ बदलाव किस्मत से ऐसे होते हैं जो किसी जीव को कॉम्पिटिशन में दूसरों से आगे कर सकते हैं। एक साल बीत चुका है, हमारी मादा भालू मां बन चुकी है और उस जेनेटिक बदलाव की वजह से उसके दो में से एक बच्चा सफेद फर के साथ पैदा हुआ है। जब दोनों बच्चे खुद शिकार करने लायक बड़े हो जाते हैं तो दोनों में से कौन शिकार को खबर हुए बगैर उसे बेहतर तरीके से दबोच सकता है। सफेद बर्फ में भूरे रंग का भालू बहुत दूर से भी नजर आ जाएगा। सफेद भालू अपने अलग जीन्स के साथ फलने फूलने लगता है और वो जीन अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। ऐसा बार बार होता है। कई पीढ़ियों के बाद सफेद फर वाले जीन आर्कटिक इलाके में रहने वाले तमाम भालुओं में पहुंच जाते हैं। भूरे रंग वाले जीन इस कॉम्पिटिशन में पीछे छूट जाते हैं। जेनेटिक बदलाव अपने आप और हरदम होते रहते हैं, मगर वही बदलाव आगे तक जाते हैं जो जिंदा रहने की उम्मीद बढ़ाते हैं। कुदरत खुद उन जीवों को चुनती है जो जिंदा रहने के ज्यादा काबिल होते हैं, और यह चुनाव रैंडम सिलेक्शन का उल्टा होता है। दोनों किस्मों के भालू बिछड़ गए और हजारों सालों के दरमियान उनमें ऐसी खूबियां विकसित हो गईं जिन्होंने दोनों को एक दूसरे से एकदम अलग कर दिया। दोनों अलग प्रजातियां बन गए। चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का यही मतलब था। एक भालू अकेला विकसित नहीं होता, भालुओं की पूरी आबादी विकसित होती है जिसमें पीढ़ियां लगती हैं। अगर आर्कटिक इलाके की बर्फ ग्लोबल वार्मिंग के चलते कम होती गई तो पोलर बेयर खत्म भी हो सकते हैं। उनकी जगह ब्राउन बेयर्स ले सकते हैं जो गैर बर्फीले इलाके में रहने के आदि हो चुके हैं। यह कुत्तों वाली कहानी से बिल्कुल अलग है। ये बदलाव किसी ने जानबूझकर नहीं किए थे, इसके बजाय कुदरत ने खुद उनका चुनाव किया था। इसे एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जो विज्ञान के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी विचार है। डार्विन ने इसे साबित करने के लिए 1859 में सबूत पेश किए थे। इससे जो हंगामा खड़ा हुआ वो कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों?